Hello, students, how are you? I hope you all are good, and today we are going to start our new chapter, which name is The Challenge. Action. Hello, students, how are you? I hope you all are good, and today we are going to start our new chapter, which name is The Challenge. चैलेंज so, मीन्स क्या होता है बच्चे मुकाबला ठीक है किसी से कॉम्पिटिशन करते हैं तो चैलेंज लेते हैं हम यही होता है ना वेरी गुड सो फर्स्ट वर्ड प्लीजेंट प्लीजेंट मीन्स क्या होता है वेरी ब्यूटिफुल बहुत सुंदर है ना ग्राउंड ग्राउंड मीन्स होता है मैदान नैप मीन्स होता है स्मॉल स्लीप जब हम थोड़ा सा सोते हैं तो हम नैप लेते हैं कॉम्पिटिटर जिससे आप कॉम्पिटिशन करते हो तो वो आपका कौन होता है कॉम्पिटिटर ओनर होता है बच्चे किसी को सम्मान देना सो लेट्स बिगिन ऑन अ विंटर डे द सन वॉज शाइनिंग ब्राइट सो इट ग्रू प्लिजेंट द फॉरेस्ट एनिमल्स डिसाइडेड टू हैव अ फ्रेंडली फुटबॉल मैच टर्टल टू वॉज प्लेइंग बट ही वॉकड वेरी स्लोली वेयर एवर द बॉल वॉज हिट ही वुड वॉक टू इट

ठीक है उसको खेलने का डिसाइड करते हैं दो तो टर्टल जो होता है ट्रू वाज प्लेइंग ठीक है तो वो खेल रहा था बट ही वॉकड वेरी स्लोली अब टर्टल कैसे चलता है बच्चे स्लो स्लो चलता है ना तो वैसे ही वो स्लो स्लो चल रहा था वेयर एवर द बॉल वाज हिट और जहां पर भी बॉल हिट होती ही वुड वॉक टू इट तो उसके पास वो जाता बिफोर ही कुड रीच द बॉल मतलब जैसे ही बॉल तक पहुंचता तो अदर प्लेयर दोबारा से बॉल को हिट कर देता तो ऐसे वो बॉल को छू भी नहीं पा रहा था इवन टच भी नहीं कर पा रहा था वेरी स्लोली ही मॉक दैट हिम मूव फास्ट यू आर राउंड लाइक अ बॉल बट यू हैव नॉट टच द बॉल लर्न टू रन यू लेजी फेलो सो अब क्या होता है जो ये जो टीम थी बच्चे ठीक है वो किसकी थी टर्टल्स की टीम थी तो देखते हैं टटल जो कर रहा है मूव काफी स्लोली स्लोली मूव कर रहे हैं तो उस पर हंसने लग जाते हैं और जोर जोर जो से चिल्ला के बोलते हैं मूव फास्ट जल्दी जाओ इवन तुम बोल जैसे ही हो और फिर भी बोल को टच नहीं कर पा रहे हो ठीक है थोड़ा रन करो जोर जो से भागो आप काफी लेजी फैलो हो तो इस तरह से बोलते हुए वो उसको थोड़ा चिढ़ाते हैं यू कैन रन फास्ट बट आई एम स्ट्रांगर देन यू रिप्लाई टर्टल लेट एलिफेंट स्टैंड ऑन अस एंड यू विल बी बरी डीप इन टू द ग्राउंड So, यहाँ पर कैन रन फास्ट तो कौन बोल रहा है कि तुम तेज भाग सकते हो ना लेकिन आई एम स्ट्रॉन्गर देन यू लेकिन मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रोंगर हूं कौन बोल रही बात टर्टल बोलता है अब यहाँ पे एलिफेंट स्टैंड ऑन अस ठीक है और एलिफेंट वहां पर खड़ा हो जाता है यू विल बी बरी डीप इन टू द ग्राउंड वाई डोंट यू हैव अ रेस विद मी सेड हेयर और यहाँ पर कौन बोलता है हेयर बोलता है कि क्यों ना तुम मेरे साथ रेस लगाओ ऑल राइट आई एक्सेप्ट यूर चैलेंज सेट टर्टल और टर्टल बोलता है ठीक है मैं तुमसे चैलेंज करता हूं और मैं जो चैलेंज आपने दिया है उसको एक्सेप्ट भी करता हूं इफ यू आर सो प्राउड हेयर हैव अ रेस विद मी सेट डियर आई कैन रन लाइक द विंड सो यहां पर बोलता है इफ यू आर सो प्राउड अगर तुम्हें ज्यादा ही प्राउड है अपने ऊपर तो यू हैव अ रेस विद मी सेट डियर तो डियर बोलता है तो मेरे साथ रेस लगाओ ना सो so, मैं बहुत अच्छे से भाग सकता हूँ विंड से भी ज्यादा विंड में से होता है बच्चे हवा ठीक है तो यहाँ पर विंड किसको बोला गया हवा को तो हवा से भी तेज में भाग सकता ही हैज मी 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 सो लेट हैव द रेस विद भीटली और टर्टल काफी कॉन्फिडेंटली बोलता है कि ठीक है मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ और रेस लगाते हैं टर्टल यू विल बी डिफीटेड इन नो टाइम सेट कैमल ठीक है कैमल क्या बोलता है टर्टल कि तुम जल्दी से ही हार जाओगे I may be defeated, but you cannot stop me from trying," said Turtle. तो so, टर्टल क्या बोलता है हाँ मुझे पता है शायद तुम तो मुझे हरा सकते हो लेकिन जो मैं ट्राई कर सकता हूं उसको तो स्टॉप नहीं कर सकते चीफ गेस्ट ब्लू दिसल्ट लॉन्ग डिस्टेंस इन नो टाइम टॉज स्लो टू रियक्ट एंड ही वर्क स्लोली सो जिराफ क्या हैमल है? क्या, क्या कर रहा है चीफ गेस्ट बन गया है देन होर्स क्या करने वाला है विसल करने वाला है और इसके साथ ही पूरा रेस स्टार्ट हो जाती है ठीक है और हेयर जो होता है वो स्टार्टेड होपिंग और स्टार्ट कर देता है होपिंग करना होप करना क्या होता है होपिंग करना उछलना ठीक है होपिंग फास्ट जोर जोर से भागना उछल उछल कर जोर जोर से भागने स्टार्ट कर देता है एंड कवर्ड अ लॉन्ग डिस्टेंस इन नो टाइम और थोड़े टाइम के अंदर ही वो लॉन्ग डिस्टेंस को कवर कर लेता है टर्टल वॉ स्लो ठीक है टर्टल कैसा था काफी स्लो रिएक्ट कर रहा था और ही वॉकड स्लोली हेयर क्रॉस द हाफ ए मार्क इन नो टाइम एंड देन लुकड बैक He could not see turtle anywhere. He said to himself, the lazy fellow cannot be seen around. I can take a rest while he covers some distance. He sat in the shade of a tree and took a short nap. ab here जो है वो cross कर देता half way मतलब जो race चल रही थी बच्चे उसने almost half race को finish कर दिया था. अब वो क्या करता है पीछे देखता है तो उसको कोई नजर ही नहीं आता. तो सोचता है वो जो turtle है वो काफी क्या है काफी लेजी फैलो है शायद वो यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएगा तो तब तक वो आता है तो मैं यहाँ पर रेस्ट कर लेता हूँ शॉर्ट नैप लेने लग जाता है शॉर्ट नैप मतलब छोटी सी नींद ठीक है थोड़ा सोना सो ऑल दिस वाइल्ड टर्टल कैप्ड वॉकिंग वेन ही सो हेर स्लीपिंग ऑन द वे ही स्माइल्ड एंड कंटिन्यू टू वॉक अब क्या कर रहा है टर्टल कैप्ड वॉकिंग और टर्टल तो

ठीक है अपनी रेस को बिल्कुल फिनिश करने वाला ही होता है तो हेयर की आंखें खुल जाती हैं ठीक है और वो आंखें खोलकर सोचता है कि यहां पर, इस से सोचते हुए और फिर बोलता है अपने कि क्यों ना मुझे रेस फिनिश कर लेनी चाहिए अब आगे एज ही फिनिश लाइन ही वॉज शॉक टू सी दैट टर्टल वॉज ऑलरेडी क्रॉसिंग द फिनिश लाइन ऑल फोरेस्ट एनिमल्स वैपिंग इन ओनर लेसन नेवर रेस्ट एन ट यू हैव फिनिश योर वर्क सो अब क्या होता है एज ही होप्ड टू फिनिश द लाइन ठीक है जैसे उसको ये होता है कि होप करते हुए फिनिश लाइन पर पहुंचने वाला है शौक हो जाता है शॉक मतलब उसको एकदम से झटका लग जाता है ना देख कर एकदम हैरान हो जाता है सरप्राइज हो जाता है क्या देखता है कि जो टटल है वॉज ऑलरेडी क्रॉसिंग द फिनिश लाइन और जितने भी फॉरेस्ट एनिमल होते हैं वो वहाँ पर खड़े होते हैं और क्लैपिंग कर रहे होते हैं इन हिज ऑनर एंड हेयर यहाँ पर हेयर को क्या सबक मिला क्या लेसन मिला जब तक हमारी कोई काम ठीक है जिसको हम लेते हैं चैलेंज के रूप में लेते हैं उसको फिनिश नहीं करते हैं तब तक हमें रेस्ट नहीं करना चाहिए कभी भी तो दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी बच्चे आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी रिलेट करती एक्सरसाइज डू य